मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर घमासान चालू है। इस घमासान में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी द्वारा सुवासरा विधानसभा के गांव चंदवासा में शिवराज सिंह चौहान एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक आम सभा रखी। सबसे पहले चंदवासा के धर्मराजेश्वर में जाकर सिंधिया जी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दर्शन किए। उसके बाद आम सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर आ गए। आम सभा में उम्मीद से ज्यादा भीड़ आई थी, जिसे देखकर सिंधिया जी भी गदगद हुए। सिंधिया जी ने मंच से भाषण में कमलनाथ के ऊपर अपनी भड़ास निकालते हुए खूब बरसे और सिंधिया जी का भाषण सुनने आसपास के क्षेत्र से कई लोग आए थे। आपको बता दें कि 3 नवम्बर को मतदान होना है। महज 5 दिन बचे हैं, जिसमें कांग्रेस की एक और सभा 31 तारीख को होना है। अब देखना होगा कि भाग्य किसका साथ देता है और किसे भोपाल की विधानसभा में विधायक के रूप में ताज पहनाता है। पीपलिया मंडी की सभा में मुझसे भी करवाया, मुझसे भी सर्टिफिकेट बनवा दिया और 1 रुपया नहीं दिया खजाने से। जितना भी पैसा दिया वो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया। मंच से पीपलिया मंडी में याद है शिवराज सिंह जी, मंच से ऐसा कहा गया था याद है कि नहीं, याद है कि नहीं? दस दिन के अंदर, और अगर 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ मैंने 10 दिन इंतजार किया माधव महाराज के अन्नदाताओं के लिए, मैंने 10 मई में इंतजार किया, लेकिन जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं की मेरे भाइयों बहनों, किसानों के साथ गद्दारी की है, गद्दारी की है, नहीं है मेरे भाइयों बहनों। आपका और हमारा एक राजनीतिक संबंध नहीं, आपका हमारा एक हृदय का संबंध है, आपका हमारा इस माटी का संबंध है, आपका हमारा एक खून का रिश्ता है मेरे भाइयों और बहनों। और सिंधिया परिवार ने जब भी लड़ाई लड़ी है तो सिंधिया परिवार ने कभी भी कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ी, सिंधिया परिवार ने कभी भी लाल बत्ती की लड़ाई नहीं लड़ी, सिंधिया परिवार ने सत्य मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ी है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो प्रगति और विकास के लिए संकल्पित है। 2018 में आपके समक्ष में आया था, मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक कांग्रेस की सरकार बनाओ ताकि जो मध्य प्रदेश में एक लंबी लकीर खींची थी शिवराज सिंह जी ने विकास की, प्रगति की, जनसेवा की, जनता के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना रखने की, उससे ज्यादा लंबी लकीर हम खींच पाए। उस समय शिवराज सिंह जी और हम आमने सामने थे, प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन लक्ष्य एक ही था, लक्ष्य था विकास का, लक्ष्य था प्रगति का, लक्ष्य था किसानों के भविष्य का, लक्ष्य था महिलाओं का भविष्य का, लक्ष्य था नौजवानों का। मैं किसान का ब्याज भरवाऊंगा, मैं कर्ज माफी का युक्तिकरण करूंगा, तुम लखपति हो, तुम सेठ हो कमलनाथ, मेरे भांजे भांजी, कोई भी जाति और समाज को हमने भेद नहीं किया, वो सामान्य वर्ग के हो, वे पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, मेरे भांजे भांजियों, मैंने तय किया कि अगर उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM,
बड़े से बड़े शिक्षण संस्थानों में होगा तो फीस होती है 5-7 लाख रुपया साल, गरीब और किसान नहीं भर सकता, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। चैनल न्यूज के लिए चंदवासा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।